क्या आप जानते हैं कि जानी मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत कितनी संपत्ति की मालकिन है? नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। कंगना ने चुनावी नामांकन दाखिल करते वक्त अपनी संपत्ति घोषित की है। कंगना के मुताबिक उनके पास 90 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। इस संपत्ति में 28.7 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जबकि 62.9 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। कंगना ने बताया है कि उनके पास 2 लाख रुपए का कैश है और उनका बैंक बैलेंस करीब 1.35 करोड़ रुपए है। कंगना के हलफनामे में बताया गया है कि उनके पास 6.7 किलोग्राम सोने के आभूषण हैं, जिनकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। कंगना के पास बर्तनों और आभूषणों के रूप में 60 किलोग्राम चांदी भी है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है। इसके अलावा उनके पास लगभग 3 करोड़ रुपए के हीरे के आभूषण भी हैं। बात कंगना की कारों की करें तो उन्होंने बताया है कि उनके पास 3 लग्जरी कारें हैं, जिनमें 98 लाख रुपए की BMW, 58 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज और 3.91 करोड़ रुपए की मर्सिडीज मेबाक शामिल हैं। उनके पास 53,000 रुपए की कीमत वाला वेस्पा स्कूटर भी है। हलफनामे के मुताबिक कंगना पर 17 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। कंगना रनौत के पास देश के कई हिस्सों में संपत्तियां हैं। इनमें चंडीगढ़ में 4 कमर्शियल यूनिट, मुंबई में 1 कमर्शियल संपत्ति और मनाली में 1 कमर्शियल बिल्डिंग शामिल है। कंगना के पास मुंबई में 16 करोड़ रुपए के 3 फ्लैट और मनाली में 1 बंगला है, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है। कंगना के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में उनकी आय 4 करोड़ रुपए थी, लेकिन उससे एक साल पहले उन्होंने 12.3 करोड़ रुपए कमाए थे। कंगना के नाम पर 50 LIC पॉलिसी और उनके खिलाफ 8 आपराधिक मामले होने की भी जानकारी दी गई है। बात कंगना की पढ़ाई लिखाई की करें तो उन्होंने 12वीं क्लास की पढ़ाई चंडीगढ़ के एक निजी स्कूल से पूरी की थी। मंडी में कंगना का मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से है। चलिए अब आपको कंगना का वो बयान सुना देते हैं जो उन्होंने नामांकन दाखिल करने के दिन यानी 14 मई को दिया था। आज हमारे देश के लिए बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण दिन है। आज बड़ी काशी से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है और हमारी मंडी जिसे छोटी काशी कहा जाता है, वहां से आज जो है मैं पहली बार नॉमिनेशन फाइल कर रही हूं। तो एक हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डे है और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी जो है अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं बड़ी काशी से, और उन्होंने मंडी की बेटी को ये मौका दिया है और सारा मंडी जो है उनको इस बात को लेकर जो है बहुत ही उनको लेकर आभारी है। और हम जो है यही उम्मीद करते हैं कि इस छोटी काशी से मुझे भी न कि एक बार, कई बार जो है नॉमिनेशन फाइल करने का सौभाग्य प्राप्त हो।